अच्छा बच्चों दिया है यहाँ पर ए डॉट सी निकालना है बच्चों के, आपका ए डॉट सी बच्चों निकल जाएगा अगर ये इसको होल्ड कर आप करते हैं। ओके ये आपका थ्री दिया है तो ए डॉट सी इसमें बच्चों आप अगर होल्ड कर करते हैं तो आपका ए डॉट सी आ जाएगा बच्चों, यह हमें फाइंड करना है ए डॉट सी। ओके तो इसको होल्ड कर कीजिए क्या होता है। ओके होल स्क्वायर, ओके इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ओके देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इक्वल टू नाइन। ओके तो आपको ये सब फाइंड करना है, सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और ये होने से तभी जाके आपका ए डॉट सी आ जाएगा। ओके ए वेक्टर डॉट सी। ओके तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है, ए का मैग्नीट्यूड मिल सकता है, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलिए प्यारे बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलिए। मैग्नीट्यूड आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ऑफ ओके 32 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके उसका रूट ऑफ ओके थोड़ा रुक जाइए गलत पे, ये माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा। ओके इसका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होता है कितना आ रहा है बच्चों। ओके 4 प्लस 4 8 1 का रूट कितना 3 आ रहा है। ओके तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका आ गया कितना 3। ओके ए वेक्टर और सी वेक्टर हमें फाइंड करना है, सी का अगर मैग्नीट्यूड बच्चों मिल जाएगा हमारा बात बन जाएगा। देखिए कुछ गिवन दिया होगा। ओके अच्छा यहाँ पर एक तो दिया है बच्चों कि ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। ओके सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना दिया 3 दिया। ओके तो बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए वेक्टर क्रॉस इसको एक वेक्टर समझ लीजिए, इसको टोटल का एक तो वेक्टर समझ लीजिए क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देता है। ओके तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, और इस बोल सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है सौम्या बोलो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन देता है। ओके तो वही फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके तो बच्चों ये आपका गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी। ओके हमें एक्चुअली सी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तो हमारा बात बन जाएगा ए डॉट सी। ओके तो देखिए ये एक वेक्टर देता है ये एक तो ओके तो ये आता है इसका मैग्नीट्यूड। ओके डॉट इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ओके साइन थीटा मीन्स एंगल बिटवीन द थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ओके इक्वल टू 3। तो ये हमारा फॉर्मूला है ओके ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का। ओके तो ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है। ओके अच्छा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया है क्या बच्चों, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, आप निकाल सकते हो बच्चों ए क्रॉस बी। बच्चों ए क्रॉस बी क्या फॉर्मूला आएगा, ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला आएगा सौम्या बोलो, दो तो सौम्या शायद होगी। ओके एक सौम्या पोरेडा है। ओके सौम्या पोरेडा बोलो ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला है डिटरमिनेंट में। I cap, J cap, K cap, okay, हाँ राइट। अगर आपका A वेक्टर जो है आपका 2, हम A क्रॉस B बच्चों निकालेंगे, ये 2, 1 और कौन, ये माइनस 1, ओके ये हमारा 1, 1, 0। ओके तो बच्चों A क्रॉस B कितना आएगा बोलिए थोड़ा, उसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके और यहाँ पर बच्चों दिया है थीटा, तो एंगल बिटवीन C वेक्टर एंड A क्रॉस B 30 डिग्री दिया है, तो हमें भी वही चाहिए, तो एंगल बिटवीन व्हाट ए क्रॉस बी एंड सी दैट इज 30 डिग्री दिया है आपका, ये साइन 30। ओके हमें सी का मैग्नीट्यूड
मिल जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा। बोलिए ए क्रॉस बी कितना पहले आ रहा है? आई कैप प्लस जे कैप। राइट, तो दैट इज योर आई कैप इनटू क्या होगा, ये जीरो और ये माइनस माइनस वन प्लस वन आएगा। ओके, अगेन माइनस जे कैप इनटू कितना आएगा, माइनस जे कैप इनटू ये जीरो। ओके, ये जीरो माइनस माइनस वन प्लस वन आएगा। ओके, प्लस के कैप इनटू क्या आ रहा है, ओके प्लस के कैप इनटू क्या आ रहा है बच्चों, ये टू, ये टू माइनस वन, ये था ये टू माइनस वन। तो बच्चे आपका आई कैप आ रहा है, माइनस जे कैप आ रहा है, और क्या प्लस के कैप। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड बोलो, ये ए क्रॉस बी आया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बोलो, ए क्रॉस बी का। हाँ वेरी गुड। ओके, ये तुम्हारा इसको वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर, ये रूट थ्री आ जाएगा। तो बच्चों अभी हमारा ये आ गया सभी। ओके, ये आपका कितना रूट थ्री आया, इक्वल टू कितना, ये आपका सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू साइन थर्टी कितना, वन बाई टू रूट थ्री है। देन बच्चों आपका सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ये आपका डिवाइड टू इंटू टू होगा, ये थ्री और इंटू रूट थ्री डिवाइड थ्री होगा। देन ये आपका काटने से ये आपका रूट थ्री आ जाएगा, टू रूट थ्री, सी का मैग्नीट्यूड आपका टू रूट थ्री आया। लेकिन बच्चों हमें ए डॉट सी फाइंड करना था, ये तो इसमें सी का मैग्नीट्यूड कितना है, टू रूट थ्री आया, टू रूट थ्री का होल स्क्वायर। ओके, ये प्लस नाइन माइनस नाइन कट जाएगा, देन इस तरफ आ गया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर वाइस ऑफ दिस इक्वल टू कितना, फोर थ्री जा ट्वेल्व। देन ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर देखिए कितना आ रहा है, ओके सिक्स आ रहा है। आंसर में है कि नहीं थोड़ा चेक कर लीजिए, नहीं तो कहानी में कहाँ गड़बड़ हुआ होगा, तो जो कहाँ गलती है थोड़ा देख लीजिए। फोर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया था बच्चों, मेरे बच्चों थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका आया था कितना, थ्री। सर ए क्रॉस बी में आप मतलब गलत मल्टीप्लाई करने के टाइम पे गलत, यहाँ पर ए क्रॉस बी गलत हुआ है क्या? अच्छा टू वन माइनस टू, अच्छा टू आएगा, देख ए क्रॉस बी ये वाला मतलब मुझे नहीं, ना वेक्टर ये सही है कि नहीं, वेक्टर सही है कि नहीं बोलो। मतलब आपने जो वो जो कोफिशिएंट डालने के टाइम टू वन माइनस टू के जगह पर माइनस वन दे दिया, कहाँ पर सर ए क्रॉस बी में डिटरमिनेंट लिखने के टाइम। अच्छा ये कितना आएगा, ए क्रॉस बी का डिटरमिनेंट तो कितना आएगा, रूट थ्री नहीं आएगा क्या? फिर उसका जो वैल्यू लिख मत, हाँ बोलो फिर से बोलो सर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट लिखने के टाइम मतलब टू वन माइनस टू के जगह पे माइनस वन होगा, और टू वन माइनस टू, वो टू वन माइनस टू आ जाएगा। बच्चों हमारा यहाँ गलती हो गया। ओके, तो एक्चुअली ये हमारा जो ए का जो डिटरमिनेंट है टू वन माइनस टू है, ओके बी का वन वन जीरो है, ओके तो फिर इसका डिटरमिनेंट अलग आएगा, वेक्टर अलग आएगा, क्या आई कैप इक्वल क्या होगा, ये आपका जीरो माइनस माइनस कैप प्लस टू आ जाएगा। ओके, आई कैप इनटू क्या आएगा, जीरो माइनस माइनस प्लस टू आएगा, मीन्स ये टू आई कैप आ जाएगा, और सब बाकी सही है शायद। ओके, के कैप का तो सही आएगा, जे कैप का देखते हैं, जे कैप का माइनस जे कैप का क्या आएगा, ये जीरो, ये जीरो माइनस माइनस कितना कितना आएगा, देखो माइनस जे कैप इंटू क्या आएगा, ओके ये जीरो माइनस माइनस प्लस टू, ओके माइनस टू जे कैप, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड के कैप का सही आएगा, टू माइनस वन, ओके वन आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों,
कितना है, टू का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या 8 प्लस 1 9 कितना है, उसका रूट ऑफ कितना 3 आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है तो 3 आ रहा है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो आपका ये 3 और ये 3 कट जाएगा। आगे ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो सी का मैग्नीट्यूड 2 आया। ओके, और कहाँ गलती होता है थोड़ा बोल दीजिए। ओके, सी का मैग्नीट्यूड आपका 2 आया। ओके, 2 का स्क्वायर कितना 4। ओके, देन ये आपका कितना आ रहा है, देखिए ये 2ac इक्वल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा, देन a डॉट c आएगा 4 बाई 2 कितना आएगा 2 आएगा, 4 बाई 2 2 आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन 3 आएगा। ओके, बच्चे समझ में आया, यहाँ पर थोड़ा आपका डालना फॉर्मूला है, यहाँ पर बच्चे का ये हो जाता है, इसका फॉर्मूला आप डालोगे। ओके, ए बी डॉट सी और साइन थीटा के, और ये तुम्हारा जो दिया है इसका होल स्क्वायर करोगे। ओके, यहाँ पर ए डॉट सी आपका आएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि द इमेज पॉइंट ऑफ द पी है जो कि आपका कितना, ये 1 माइनस 2 3 हो गए। ओके, इन द प्लेन बोल रहा है, इन द प्लेन ओके, इन द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22 ओके इक्वल टू 0 ओके, एंड मेजर ओके पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, ये जो इमेज पॉइंट निकालना है, ये इमेज पॉइंट जो है आपका पैरेलल टू ए लाइन बोल रहा है। ओके, ये इमेज पॉइंट जो है आपका पैरेलल टू ए लाइन, एक लाइन के साथ पैरेलल हो रहा है वो इमेज पॉइंट, उस एक लाइन के साथ पैरेलल करके उसका इमेज पॉइंट निकालना है। बोल रहा है फाइंड द इमेज पॉइंट ऑफ दिस 1 माइनस 2 3 इन द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22 मेजर पैरेलल टू द लाइन। ये लाइन का इक्वेशन दिया x बाई ए 1, ये x बाई 1 इक्वल टू y बाई 4 इक्वल टू आपका z बाई 5। ओके, z बाई 5 इक्वल टू लैम्डा। ओके, ठीक है, तो बच्चों क्या करना है हमें, ये बच्चों ये इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन पहले चाहिए, इसको एक्स वन वाई वन जेड वन लोगे। मेरे बच्चों आप ये कर सकते हो, ये पॉइंट निकाल सकते हो, पहला इक्वेशन इसका नाम कुछ भी दे दो, इसका नाम कुछ भी दे दो, ए ले लो। ओके, और इसका नाम पिक क्यू ले लो, इमेज पॉइंट को क्यू ही बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है, तो इमेज पॉइंट इज क्यू। ओके, तो इमेज पॉइंट इज क्यू, और हमें पी क्यू का लेंथ चाहिए, आफ्टर गेटिंग द क्यू यू विल गेट द पी क्यू का लेंथ। ओके बच्चों, मैं बोल दे रहा, पहले आप ये निकाल सकते हो, सुनिए, पहला पी ए का इक्वेशन ऑफ लाइन पी ए निकाल सकते हो बच्चों, ये हमें चाहिए, ये वाला इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन चाहिए, उसके बाद ये मिड पॉइंट फॉर्मूला में इमेज पॉइंट आएगा, उसके बाद ये पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पी ए कर सकते हो बच्चों, मैं कुछ बोलूँ ना आप कर सकते हैं, मैं कुछ बोलूँ ना आप कर सकते हैं, हो गया? यस सर। अच्छा ठीक है, देखिए आप बनाइए। तो बच्चों ये हमें क्या करना है, पहला इक्वेशन ऑफ लाइन पी ए निकालना है। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन पी ए या पी क्यू बोलो एक ही बात है। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन पी ए। ओके, ये बहुत जरूरी बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, एक इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज चाहिए बच्चों, एक तो बी वेक्टर चाहिए और रेखा पैरेलल वेक्टर चाहिए और एक तो पॉइंट चाहिए। बच्चे इक्वेशन लाइन के लिए दो चीज़ चाहिए, एक पॉइंट चाहिए एंड बी वेक्टर चाहिए। ये जो लाइन इसके साथ पैरेलल होके जा रहा है, ओके, जो इमेज पॉइंट का जो लाइन है इस लाइन के साथ पैरेलल होके जा रहा है,
तो एक इक्वेशन के लाइन के ये हमारा x माइनस वन बाई ये पॉइंट है ओके x माइनस एक्स वन बाई ए y माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड वन बाई सी ओके इक्वल टू लम्बडा बच्चो कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पी ए एक इक्वेशन लाइन के दो चीज चाहिए एक पॉइंट है ये वाला पॉइंट है वन माइनस टू थ्री पॉइंट है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए द्वारा डायरेक्शन वेक्टर है वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी ओके ओके इक्वेशन लाइन बच्चों हो गया देन बच्चों ये पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या करोगे इधर एक्स वन और ये वाई वन और क्या जेड वन ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा अगेन ओके ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा अगेन तुम्हारे लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा ठीक है तो बच्चों ये एक्स वन वाई वन जेड वन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन लाइन पी ए ओके देन ये एक्स वन वाई वन देन एक्स वन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों माइनस थ्री यहाँ पर ये सॉरी एक्स वन इससे और इससे इक्वल करो इससे और लामड़ा को इक्वल करो देन एक्स वन इक्वल टू लामड़ा प्लस वन आएगा देन बच्चों वाई वन इक्वल टू क्या आएगा फोर लामड़ा माइनस टू आएगा वाई वन इक्वल टू आएगा फोर लामड़ा माइनस टू आएगा जेड वन इक्वल टू बच्चों क्या आएगा फाइव लामड़ा प्लस थ्री आएगा आपका जेड वन जो है फाइव लामड़ा प्लस थ्री इसे और लामड़ा को इक्वल करो ये फोर लामड़ा माइनस टू जेड वन इक्वल फाइव लामड़ा प्लस थ्री अगर बच्चों ये लामड़ा का वैल्यू मिल जाता है अगर बच्चों ये लामड़ा का वैल्यू मिल जाता है बच्चों देन मेरा ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन आ जाएगा ओके तो बच्चों ये एक्स वन जेड वन ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑल्सो क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लाइन का भी है और प्लेन का भी है तो इसलिए क्या करोगे यहाँ पर टू एक्स वन प्लस थ्री वाई वन माइनस फोर जेड वन प्लस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो ओके ये बच्चों ये जो है एक्स वन वाई वन जेड वन ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ओके व्हाट इज योर एक्स वन इज योर लामड़ा प्लस वन लामड़ा प्लस वन ओके व्हाट इज योर वाई वन फोर लामड़ा माइनस टू व्हाट इज योर जेड वन फाइव लामड़ा प्लस थ्री ओके जेड वन दैट इज ये माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू जेड वन फाइव लामड़ा प्लस थ्री इक्वल टू प्लस ट्वेंटी टू तो ले लीजिए माइनस ट्वेंटी टू अच्छा ये तुम सॉल्व किए हरीश इसको सॉल्व किए कितना लामड़ा कितना आया वन आया अच्छा तो लामड़ा इक्वल टू वन आया आने के बाद इधर बच्चों डाल दीजिए आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा आपका ये टू और ये फोर माइनस टू टू और ये फाइव प्लस थ्री एट आपका टू टू एट आया ओके देन बच्चों ये आपका टू टू एट आया ओके ये पॉइंट आपका टू टू एट आया देन बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला में आपका इमेज पॉइंट निकाल दीजिए लेट द इमेज पॉइंट एक्स टू वाई टू और जेड टू ओके आपका ये मिड पॉइंट ये टू इक्वल टू क्या होता है मिड पॉइंट दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू ओके ये मिड पॉइंट टू इक्वल टू क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू देन एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर माइनस वन थ्री इसी तरह वाई टू क्या होगा आपका ये टू इक्वल टू क्या होता है माइनस टू प्लस वाई टू बाई टू ये आपका फोर प्लस टू सिक्स आएगा ओके उसी तरह जेड इक्वल टू क्या होगा आपका ओके ये आपका एट इक्वल टू क्या कीजिए थ्री प्लस जेड टू बाई टू आपका सिक्सटीन माइनस थ्री कितना थर्टीन आएगा तो ये इमेज पॉइंट बच्चों ये आया आपका थ्री सिक्स थर्टीन बच्चों इमेज पॉइंट थ्री सिक्स थर्टीन आया ना क्या आया यस सर थ्री सिक्स थर्टीन उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला डाल के हमारे क्वेश्चन में बोल रहे हैं तो इसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दीजिए पी क्यू ओके तो उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू डाल दीजिए ओके तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर दैट टू का स्क्वायर फोर
सिक्स माइनस माइनस टू एट का स्क्वायर 64, अगेन 13 माइनस थ्री 10 का स्क्वायर 100, ये आपका 168, इसका स्क्वायर रूट कितना है 168 का स्क्वायर रूट बच्चों 168 का स्क्वायर रूट कितना है बोलिए थोड़ा, ये 2 मिलेंगे, 2 8 जा 4 जा, ओके 2 4 जा 8 रूट 2 जा, ये 2 रूट 42 आएगा, ओके ठीक है बच्चों, ये 2 रूट 42, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और भी क्विक होगा, तुम लोग का अभी सिर्फ सेट प्रैक्टिस करना है, अगर नेक्स्ट एग्जाम है तो सिर्फ सेट प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 13 माइनस 1 फ्रॉम द प्लेन, ओके एक 13 माइनस 1 7 पॉइंट है, ओके ये डिस्टेंस निकालना है, ओके 13 माइनस 7 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द 1 माइनस 1, एक प्लेन जो है 1 माइनस 1 में पास कर रहा है, ओके बोला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 13 माइनस 1 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द 1 माइनस 1, ये मत समझिए कि हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर कुछ नहीं देता है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ओके तो फिलहाल शायद ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 13 माइनस 7 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द 1 माइनस 1 हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर बोथ द लाइन्स, हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर द बोथ द लाइन्स, ओके नॉर्मल जो है ये दोनों लाइन्स को परपेंडिकुलर करता है, मीन्स ये दो लाइन को प्लानर है, ओके ये दो लाइन को प्लानर है, ओके तो हमें क्या बोला डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है तो बच्चों डिस्टेंस में से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ओके यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, ओके और जो नॉर्मल जो है दोनों लाइन को परपेंडिकुलर करता है, मीन्स ये दो लाइन को प्लानर है तो ये परपेंड का डिस्टेंस। बच्चों अगर आपका इक्वेशन पे अगर आपका ये द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 13 माइनस 7 प्लेन पासिंग थ्रू द दिस हैविंग द नॉर्मल परपेंडिकुलर बोथ द लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना कौन सा डिस्टेंस आएगा देखिए थोड़ा, अगर नहीं आएगा तो फिर अलग से करना पड़ेगा। अच्छा पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो बच्चो, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो बच्चो, पहले बच्चो इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो। देखो बच्चो यहाँ पर नॉर्मल एक इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए दो चीज़ चाहिए बच्चों, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए दो चीज़ चाहिए, पॉइंट चाहिए एक तो नॉर्मल वेक्टर चाहिए, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए दो चीज़ चाहिए, पॉइंट चाहिए और एक तो नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तभी जाके इक्वेशन ऑफ प्लेन आता है एक्स माइनस एक्स वन, ओके ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, ए बी सी आपका नॉर्मल वेक्टर है और एक्स वन वाई वन जेड वन आपका एक्स वन वाई वन जेड वन तो दे दिया है, ये पास कर रहा है वन माइनस माइनस वन से, वन माइनस माइनस वन मैं फिर से गलत लिख रहा हूँ, वन माइनस माइनस वन से प्लेन पास कर रहा है, ओके तो बच्चों यहाँ पर आपका तो पॉइंट दे दिया है ये वन, ओके ये माइनस माइनस ये प्लस वन हो जाएगा, ये प्लेन पास कर रहा है, ओके और ये आपका कितना ये जेड प्लस वन हो जाएगा। बच्चा आपका ए बी सी नहीं दिया, नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया, हरीश बोल सकते हो कैसे नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे बच्चों, हरीश बोल सकते हो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, सर थोड़ा कर रहा हूँ बोलने, ओके ओके और कोई बोल सकता है बच्चों नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेंगे, सर मतलब जिस दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो ये ए इनटू उनके डायरेक्शन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके, वेरी गुड ओके ओके वेरी गुड ओके,
यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर जो है परपेंडिकुलर बी वन वेक्टर, और ये नॉर्मल वेक्टर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, ये बी वन वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी टू वेक्टर। टेल मी ए वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, एक वेक्टर बोलो दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर करता है, दैट इज क्या आएगा, बी वन वेक्टर क्रॉस क्या बी टू वेक्टर। बच्चों एक वेक्टर बोलो दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर करता है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ बच्चों देखिए यहाँ पर देखो तो बच्चों एन वेक्टर कितना है, सोमिया एन वेक्टर आ गया, आई कैप जे कैप के कैप, ओके आपका बी वन वेक्टर वन माइनस टू थ्री, और बी टू वेक्टर कितना सर, एन वेक्टर होगा फाइव फाइव प्लस सेवन जे प्लस थ्री के, कितना फाइव 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 प्लस सेवन जे प्लस थ्री के, प्लस सेवन जे प्लस थ्री के, ओके थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चों, आप भी खुद बना के चेक कर लीजिए, ओके। तो बच्चे ए बी सी मिल गए, मुझे मिल गया ए बी सी मुझे मिल गया फाइव सेवन थ्री, ओके ये फाइव सेवन थ्री, ओके। एक इक्वेशन प्लेन के लिए दो चीज़ चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए एंड पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो ऑलरेडी है, ओके नॉर्मल वेक्टर चाहिए था, नॉर्मल वेक्टर का कैसा आया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आया, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर दोनों लाइन को परपेंडिकुलर करता है, तो नॉर्मल वेक्टर आ गया, ओके यानी आपका फाइव एक्स माइनस फाइव, ये सेवन वाई प्लस सेवन, ये थ्री जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ओके देन आपका फाइव एक्स प्लस सेवन वाई प्लस थ्री जेड कितना आ रहा है बच्चों देखो, माइनस फाइव प्लस सेवन कितना टू प्लस थ्री फाइव, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रहा है, ये टू प्लस थ्री, ओके आओ। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन डाल दीजिए, फाइव एक्स कितना, फाइव एक्स प्लस सेवन वाई प्लस सेवन वाई प्लस थ्री जेड, और ये आपका प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ओके। अच्छा बच्चों आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना क्या डिस्टेंस पता नहीं चल रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वन थ्री माइनस वन फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द दिस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना क्या पता नहीं चल रहा। अच्छा बोलियो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कि एबव पॉइंट से एक एबव पॉइंट दिया होगा, ओके यस ओके, सपोज ये तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कैपिटल डी, ओके सॉरी डी को इस तरफ लिख देते हैं, ओके माइनस डी इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक एबव पॉइंट देता है एक्स वन वाई वन जेड वन, ओके एक एबव पॉइंट से ये आपका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ए इंटू एक्स वन बी इंटू कितना वाई वन प्लस सी इंटू कितना जेड वन, ओके अगर ये माइनस डी है तो माइनस डी रखोगे, अगर प्लस डी है तो प्लस डी रखोगे, जो है वही रखोगे इस तरफ लाने के बाद, इक्वल के इस तरफ आने के बाद ये जो है वही रखोगे, माइनस डी बाई क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रुका हुआ, ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रुका हुआ। बच्चे ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इधर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ओके फाइव इंटू वन सेवन इंटू थ्री, ओके सेवन इंटू थ्री फाइव इंटू माइनस सेवन, ओके फाइव इंटू माइनस सेवन, ये जो है वही रहेगा, प्लस फाइव तो प्लस फाइव रहेगा, माइनस फाइव तो माइनस फाइव रहेगा, प्लस फाइव इसका ये, ओके बाय कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर ए स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर फोर्टी फाइव, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, थ्री का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके इसका रूट ओवर कितना रहा है बच्चों, देखिए थ्री होगा ना माइनस थर्टी फाइव मतलब ट्वेंटी वन होगा, मतलब वो जो माइनस थर्टी फाइव लिखते हैं जो देखिए यहाँ पर तो थ्री टू माइनस सेवन कितना ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन ना, मैं कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो रहा है, ओके तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है देखो
टेन ये बाई प्लस 21 माइनस 21 कट जा रहा है क्या? ये 73 जा 21 हो गया, गुड। ये 10 बाई कितना? रूट 82। 25 प्लस 49 कितना आ रहा है? टोटल कितना हो रहा है? 83 है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोला तो। अरे इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन, ओके ये एक बच्चों प्लेन है आपका, ओके तो लाइन क्या आपका, ये लाइन का दो पार्ट होता है बच्चे, एक तो पॉइंट होता है थ्री माइनस टू, ये माइनस फोर बच्चे, ये ऐसा फॉर्म होता है लाइन एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, और ये पॉइंट होता है ओके इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी, नीचे आपका बी वेक्टर होता है डायरेक्शन वेक्टर होता है ओके। तो बच्चों ये आपका ये एक्स माइनस एक्स वन है, आपका एक्स वन थ्री, ये इसको बनाइए वाई माइनस माइनस टू, वाई माइनस वाई वन बाई बी ओके। तो आपका पॉइंट है माइनस टू और ये माइनस फोर ओके। एक इक्वेशन ऑफ लाइन का दो पार्ट होता है, एक इक्वेशन लाइन का दो पार्ट होता है, पॉइंट होता है ओके थ्री माइनस टू और माइनस फोर ओके, और क्या एक तो बी वेक्टर रहता है, डायरेक्शन वेक्टर रहता है ओके। बी वेक्टर है, बी वेक्टर कौन है, लाइन का बी वेक्टर इधर, और ये टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप ओके। और एक बात यह है कि ये सही फॉर्म में है कि ना चेक करोगे, कभी कभी फॉर्म में नहीं होगा तो उसको फॉर्म में लाओगे, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी ओके, तभी जाके आपका ए बी सी आएगा टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप ओके। और एक बात है, जो भी वेक्टर प्लेन में लाइज होता है नॉर्मल वेक्टर उसको परपेंडिकुलर करता है, जो भी वेक्टर लाइज होता है नॉर्मल वेक्टर उसको, लाइन लाइन होता है नॉर्मल वेक्टर उसको परपेंडिकुलर करता है ओके। तो बच्चों ये कैसे सर डेट करता है सर? तो बच्चों देखिए आप कर सकते हैं, कोशिश करोगे तो पहला बात है बच्चों, एक इक्वेशन आपका आएगा ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा बच्चों, आप कर सकते हो। देखो ये आपका एक ये पॉइंट जो है आपका लाइन जो है इस प्लेन में लाइज है, इसका पॉइंट थ्री माइनस टू माइनस फोर, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन आएगा आपका टू थ्री एल और इसके बाद माइनस टू एम और ये आपका माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस फोर इक्वल टू नाइन। मेरे बच्चों समझे कि नहीं समझे? यस सर। अरे हाँ, ये पॉइंट जो है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, देन थ्री एल माइनस टू एम, वाई के बदले माइनस टू डालिए, अगेन जेड के बदले माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस फोर इक्वल नाइन, ये आपका एक इक्वेशन है थ्री एल माइनस टू एम इक्वल टू नाइन माइनस फोर फाइव। अगर हम एल और एम का वैल्यू पता हो जाते हैं देन बच्चों एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। और एक बच्चों क्या होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बोलिए, या अगर ये इक्वेशन में प्लेन है नॉर्मल वेक्टर इसका क्या होगा, कौन बोलेगा बच्चों? हाँ एल आई कैप प्लस एम जे कैप और ये आपका माइनस के कैप ओके। आपका इसका डायरेक्शन रेशियो आएगा एल एम माइनस वन ओके। तो बच्चों ये नॉर्मल वेक्टर भी क्या करेगा, बी वेक्टर दो इक्वेशन आए उसके बाद सॉल्व करके एल एम निकाल लेगा, इसमें पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लीजिए, आपको लगेगा अरे क्या एल एम एन में दे दिया बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप अटेम्प्ट लीजिए, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए ओके। तो देखिए नेक्स्ट बात है कि ये नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा, बी वेक्टर होगा
तो अब परपेंडिकुलर है तो तुम्हारा क्या आएगा, ये नॉर्मल ए वन ए टू बी वन बी टू, ओके डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ट्वेल्व अगेन माइनस एम ओके प्लस माइनस थ्री इक्वल टू कितना जीरो। अच्छा ठीक हो रहा है कि थोड़ा चेक कीजिए, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, थ्री इंटू माइनस वन इक्वल जीरो। देन नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों आपका ट्वेल्व माइनस एम इक्वल टू थ्री। बच्चे इस दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, थ्री एल माइनस टू एम इक्वल टू क्या है आपका नाइन माइनस फोर फाइव। बच्चे इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके एल एम कितना आया मुझे बोलिए, एल कितना एम कितना बोलिए मुझे थोड़ा। तो आपका सॉल्व किए तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू माइनस वन डाल दीजिए, इसमें हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर निकालना है, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन का स्क्वायर ओके फाइव। तो आपका आंसर ये है ओके। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये आपको बहुत ये लगता होगा लेकिन बहुत ईजी है, ये पॉइंट इसका सेटिस्फाई करेगा और इसका नॉर्मल वेक्टर इसको बी वेक्टर को परपेंडिकुलर करेगा, दो इक्वेशन आएगा आप सॉल्व कर लीजिए ओके। तो बच्चों हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमारा कॉस थीटा जो है फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए वेक्टर डॉट क्या बी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ओके सर थैंक यू। तो बच्चों ये आपका ये कॉस थीटा इक्वल टू आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओके, ए का मैग्नीट्यूड वन है बी का भी मैग्नीट्यूड वन है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी आर, क्वेश्चन में दिया है ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स दिया है ओके। तो ये आपका कॉस थीटा इक्वल क्या हो गया ए डॉट बी। अगर तुम ए डॉट बी निकल जाता है, अगर बच्चों ए डॉट बी निकल जाता है देन तुम्हारा ये एंगल बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा। तो हमें ए डॉट बी चाहिए ठीक है, तो एंगल बिटवीन बोल रहा है क्या ए एंड बी, तो ए डॉट बी सिर्फ चाहिए। यहाँ पर एक गिवन है ए वेक्टर क्रॉस क्या बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ओके, बी और सी को एक ही वेक्टर बोल दिया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट और ये रूट थ्री बाई टू आपका बी प्लस सी वेक्टर ठीक है। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें बच्चों, पहले बच्चों दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें और बोलना बी वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू सी वेक्टर ठीक है। अगर पैरेलल होता तो बच्चों साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाता ओके। नॉट पैरेलल बोला मीन्स आपका थीटा साइन थीटा जीरो नहीं है। देखो तो बच्चों नॉट पैरेलल बोल रहा मीन्स ये बी क्रॉस सी जीरो नहीं है ओके। नॉट पैरेलल जब बोल रहा है ये बी क्रॉस सी जीरो नहीं है ओके। चलिए इसके दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं बच्चों। देन बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या फॉर्मूला था बच्चों, अरे बोलो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या फॉर्मूला था, यस ए बी साइन थीटा ओके। तो बच्चों यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन इनके बीच में ओके साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड वही आएगा ओके। रूट थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड वही आएगा ओके। ये बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड ना बी प्लस सी है, बी प्लस सी है तो बच्चों ओके। तो देखिए ये आपका डाल दीजिए इसका मैग्नीट्यूड, उसके बाद दोनों का तरफ स्क्वायर कर दें क्या करें, देन बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ओके।
कि ए का मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा बच्चों, गिवन है यूनिट वेक्टर, ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये साइन थीटा दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर कर दीजिए, ओके। ये रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, ओके। इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ओके। इसका होल्स का दोनों तरफ कर दीजिए, इसका स्क्वायर आपका थ्री बाई फोर आ जाएगा, ओके। ये आपका क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बच्चे यही हमें चाहिए, बी डॉट सी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। ये बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका फॉर्मूला डाल देंगे क्या, बी क्रॉस सी का फॉर्मूला डाल देंगे बच्चों, देन ये आपका कितना थ्री बाई फोर, ये आपका वन आएगा, ये भी वन आएगा, प्लस टू बी सी आएगा, ओके। बच्चों फिर से बी क्रॉस सी का डाल देंगे, बी क्रॉस सी का आएगा बी सी साइन थीटा, इनका बीच में अलग सा एंगल साइन, हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए, और कुछ गिवन है, तो बच्चों इसमें अच्छा बच्चों ये दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ओके, ए क्रॉस ओके ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ओके, इक्वल टू रूट थ्री बाई टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके। अच्छा बोलो इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सर ए डॉट सी, थोड़ा बैठ जाओ, ओके ए डॉट सी, ए डॉट सी इनटू बी वेक्टर, ए डॉट सी इनटू बी वेक्टर, ओके, ए डॉट सी इनटू बी वेक्टर, यस सर, ना क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, वो भी डॉट प्रोडक्ट, यस सर, ओके, माइनस ए डॉट सी इनटू बी माइनस माइनस ए डॉट बी इनटू सी वेक्टर, ए डॉट बी इनटू सी वेक्टर इक्वल टू आपका, ओके। बच्चों ये फॉर्मूला मैं नेक्स्ट क्लास बोलूँगा आप लोग को, ओके, कैसे क्या हो रहा है, ओके, इक्वल टू रूट थ्री बाई टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके, ये इंटू कर दो, ये रूट थ्री बाई टू इंटू बी वेक्टर प्लस रूट थ्री बाई टू इंटू कितना सी वेक्टर, ओके। अभी ये कंपैरिजन बच्चों कर लो, ये आपका बी वेक्टर के साथ ए डॉट सी आपका कितना आएगा, ए डॉट सी आपका रूट थ्री बाई टू आएगा, और ये आपका ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी आपका आएगा कितना, ए डॉट बी कंपैरिजन कर लो, ए डॉट बी आपका आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों, माइनस रूट थ्री बाई टू, ओके। अच्छा अभी हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, हमारा कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड और क्या बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तब द्वारा ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी आपका माइनस रूट थ्री बाई टू, और ये तो यूनिट वेक्टर दिया वन हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो कॉस का कहाँ पर माइनस, ओके, देखो कॉस कितना में रूट थ्री बाई टू होता है बच्चों, कॉस कितना में रूट थ्री बाई टू, कॉस 30 डिग्री, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस का कहाँ माइनस है, एएसटी सूट में देखिए कॉस का कहाँ माइनस, हाँ ये कॉस का यहाँ पर माइनस है, ओके, उसको आप क्या कीजिए, कॉस 180 माइनस 180 माइनस कितना 150 कर दीजिए, ओके, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, रुकिए यहाँ पर 130 आएगा, ओके,
ओके बच्चों, ये आपका कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा यहाँ पर सेकंड क्वार्टर में, ओके कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, देन आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 150 डिग्री दैट इज ओके, थीटा इक्वल टू कितना आपका 150, इसको रेडियन फॉर्म में कीजिए, पाई बाय 180, ओके 0 0 कट, 5 में कटिए, 3 5 जा फाइव और ये 6, 5 5 by 6 ओके, ऑप्शन देखिए 5 5 by 6 ओके, तो बच्चों इसका ये फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला से ये आपका, और ये फॉर्मूला बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको बोलूँगा, ठीक है।